300 में लो ना, यहाँ भी 1500 में ले लो। यहाँ अभी आपने 1980 रेट लगाया है इसका, 1980 निकाला भैया, 1980 2150 हम देने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। आप 1125 ले लो, 1700 दे रहा है, आप 2125 ही ले लो, 2150 मत लो, चलो 1700 किलो डंठल, एक कुंटल पे 4 किलो आधा द्राक्ष, एक कुंटल पे 3 किलो ग्रास बीज, चलता है एक कुंटल पे तो व्यापारी लूटेगा, अरे भैया आप बहस मत करो, अगर आप चाहते हैं कि आपके किसान परेशान ना हो, आपकी मंडी के अंदर हम माल अतिरिक्त वसूली करते हैं क्या, रोका 500 रुपए ले रहे आपने, रोका क्या? एक बात ये भी है, 1800 रुपया 1900 रुपया 2000 रुपए बिक रहा है गेहूँ, किसान भी स्वतंत्र है, वो नहीं बेचे ये दूसरी मंडी है, मंडी वो तो आएगा, एक मंडी में आप क्या कर रहे हैं, एक एक कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि इतना कम रेट बिका जाए, और अभी 8 रोज बाद ही वही माल 2125 रुपए में बिकेगा, तो क्या इतना डिफरेंस नहीं? मेरा ये मतलब है किसान भाई नहीं बेचे अभी 2125 में, किसान भाई बेचना नहीं, बेचना वो हल नहीं है, चले जाओ मंडी व्यापारी हम कर लेंगे, समर्थन मूल्य कहाँ बिक रही है, कौन सी मंडी बिक रही है बताइए, समर्थन मूल्य कौन सी मंडी नहीं, अच्छे गेहूँ जो हल्का जो है वो तो मान रहे हैं, इतना डिफरेंस भी नहीं आना चाहिए, सुबह की मंडी क्या दोपहर की आपके करेले से बिल्कुल जस्ट पास में, मैं जानवर भी मिल सकते उसमें, उसको करा रहे हैं नहीं करा रहे हैं, सुनो एक एक मैंने बात की इसके बाद काम बोलने भी बता दे वो ठीक है, लेकिन ये पानी की जो टंकी है उसमें कीड़े आ रहे हैं, वो आपके क्षेत्र में कि नहीं है, आपने मेरे बात आ रहा है, दो ही जाती है अभी नीलामी चल रही है जो बात, अरे वो बात तुम्हारा, लेकिन इसका भाव सही मांग है कि जो सरकार द्वारा 24 फसलों का समर्थन मूल्य तय किया जाता है उसमें सबसे मुख्य फसल है गेहूं, गेहूं का 2125 रुपए समर्थन मूल्य है और इसी क्वालिटी का गेहूं सरकार भी खरीदती है FAQ क्वालिटी, अभी इस ट्राली का 1980 रुपए बोली लगी और खत्म कर दी, इसलिए हमने विरोध किया कि हम 2125 रुपए से कम नहीं बिकने देंगे, नहीं तो आप खरीदना बंद कर दो, अभी कुछ व्यापारी बंधु बता रहे थे कि 2150 में सरकार ने बेचा तो हम तो 2125 में देने को तैयार है, इतना डिफरेंस कहाँ जाएगा कि 1980 और 2125 व्यापारी लोग मनमानी लूट कर रहे हैं ना, मनमानी व्यापारी लूट कर रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे ना वो इससे जबकि उनको MSP की व्यापारियों की कानूनी गारंटी है, मंडी दोपहर पहले की क्या बिक जाती, दोपहर बाद की क्या बिक जाती, इतना डिफरेंस थोड़ी आता है, और इसमें मंडी समिति को 200 रुपए लेना चाहिए उस चीज का, क्या इस माल में माल में कुछ था भी ठीक है, FAQ की क्वालिटी से ऊपर जा रहा है ये माल, अगला कदम यही है कि हम तो मतलब जो ये चाहते हैं कि किसानों का माल अधिक से अधिक बिके लेकिन वो समर्थन मूल्य से कम पर ना बिके, अब हम संसद तक ये बात आवाज पहुंचाएंगे कि सड़क जिस दिन सुनी हो जाती है तो संसद दुंगी और बहरी हो जाती है, तो अभी हम आवाज सड़क से उठाएंगे, किसानों की आवाज सड़क पर ले जाएंगे, तभी जाके ना कि उसकी फसल का वाजिब दाम मिलेगा, इसीलिए हम ये अभी शुरुआत है हमारी, इसके बाद में अभी हम धरना प्रदर्शन करेंगे और हो सकता है हम चक्का जाम भी कर सकते हैं, समर्थन मूल्य 21 जो भी भाई साहब बता रहे 2135 रुपये है समर्थन मूल्य है, उसमें गेहूँ अलग अलग प्रकार की है, उसमें समर्थन मूल्य में ये नहीं लिखा है कि लोकन गेहूँ भी ये भाव बिकेगा ना वो बिका, गेहूँ है गेहूँ है, उसकी कोई जात नहीं होती कोई बात नहीं, उसका नाम है सिर्फ गेहूँ, और समर्थन मूल्य से नीचे गेहूँ नहीं बिकना चाहिए, आज कृषि उपज मंडी देवास के अंदर मतलब 1700 रुपये तक गेहूँ बिका, अब बताइए FAQ गेहूँ कि हमने मैडम से भी चर्चा करी कि FAQ की परिभाषा क्या है, हम किसान FAQ नहीं समझ पाते हैं, आप मशीन चेक करिए आपके पास इतना बड़ा तंत्र है, और यहाँ की मंडी प्रशासन बोलती है कि किसान अपना माल नहीं बेचे, हमने सीधा उदाहरण दे दिया, आप 2 दिन रुको सरकार खरीदी गया क्या, सरकार किसानों का सारा गेहूँ 2 महीने में 1 महीने में खरीद लेगी क्या, सबसे ये है कि नकारात्मक सोच है जो मंडी प्रशासन की है उनकी मिली भगत के कारण, अगर यहाँ नियमित रूप से हर किसान की ट्राली अगर चेक होती कि FAQ के अंतर्गत कितनी नमी है कितना उसमें कचरा है कितना
मट्टी है उसके अंतर्गत होता है, नहीं तो क्या 1700 रुपए का 2100 और 1700 में कितना का डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस के अंतर्गत किसानों का यहाँ शोषण हो रहा है, किसानों की जो खरी मेहनत की कमाई है खून पैसे नहीं की, आज वो लूटपाट व्यापारी मंडी प्रशासन के मिली भगत के कारण व्यापारी कर रहे हैं। आपका नाम बताइए। जगदीश नागर, भारतीय किसान संघ, जिला पूर्व जिला। तो अभी गेहूं की फसल मंडी में आ रही है जिसका कि समर्थन मूल्य 2135 रुपया है, 1800-1900-2000 में गेहूं बिक रहा है, जबकि गेहूं का मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2135 रुपया है, यानी उसमें कोई लाटिंग की जरूरत नहीं। किसान फसल लाता है, लाट बना के नहीं लाता कि लोकवन क्या जाएगा, तेजस क्या जाएगा और 322 क्या जाएगा। आम गेहूं का रेट समर्थन मूल्य जो है वह है, बाजार भाव जो भी हो, लेकिन किसान का समर्थन मूल्य एफएक्यू के अंतर्गत तय है ना साहब, उससे नीचे किसान का माल कैसे खरीद सकते, बाजार चले उससे ऊपर चले। क्वालिटी की बात कर रहे हैं, क्वालिटी कमजोर है, इसमें मास्टर ज्यादा है। क्वालिटी वाली बात यदि की जाए तो अगर पहली चीज तो हम खुद देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं कि कितना बेस्ट माल है। इसके बाद यदि क्वालिटी वाली बात करते हैं तो किसान फसल लाता, फसल और लाट दो शब्द अलग अलग बने हैं, उसमें से लाटिंग करके व्यापारी 2135 का खरीदा माल बाद में 2200-2500-2600-3000-3200 लाट के हिसाब से हर भाव में बेचता है। एफएक्यू के अंतर्गत जो 2135 रुपया है वो तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, लोअर क्लास गेहूँ हो या बेस्ट क्लास गेहूँ हो। सड़क को हम संसद बनाएंगे और हर किसान को सड़क पर लाके खड़ा करेंगे, सभा तक पहुंचती है, इसलिए हम अगला हमारा कदम सड़क रहेगा, सड़क को हम संसद बनाएंगे। क्या तो लोकन वगैरह है वो गेहूँ बिक रहा है, बाकी बहुत सारे गेहूँ 1700-1800 रुपए बिक रहा है, सभी को एक मतलब गधे घोड़े एक भाव बिक रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि समर्थन मूल्य से कम भाव में किसान का माल ना बिके, यही हमारी मांग थी, इसीलिए हमने मंडी रुकवाया।